Okay, dear students, uh, this is Mustafa Ahmad Mirjavala from Mirchawala's Hub of Accountancy, your SBR trainer, and today we are going to discuss the latest past paper of consolidation foreign subsidiary for March June 24. March June 24 consolidation. foreign. subsidiary yes we are going to do this class in Urdu Hindi language but I will record a separate class for English students as well okay so in the same YouTube channel you can have that class as well okay अब आपकी motivation के लिए सबसे पहले recent जो भी हमारी June 2024 twenty attempt गुजरी है ये उनके हमारे high achievers हैं ये students से देखो और मैं आपको एक बड़ी list show करूँगा आज कि आप देखें कितनी बड़ी quantity of students ने clear किया है एट्टीज़ में भी बच्चों ने स्कोर किया है इसमें पोजिशन होल्डर्स भी हैं आपका देर इज़ देखें ये, लिस्ट वन लिस्ट टू देन यू वी हैव लिस्ट थ्री लिस्ट फोर लिस्ट फाइव तो इतने सारे बच्चों ने इतनी बड़ी क्वांटिटी ने क्लियर किया है तो सबसे पहले अपने जहन को ये समझा दें कि ये सब नॉर्मल लोग थे आम आदमी आम आदमी जब ये लोग क्लियर कर सकते हैं आप लोग आराम से कर सकते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो एस के पेपर में अक्सर लोग ये पेपर डराता बहुत है नो डाउट नो डाउट ये पेपर डराता है लेकिन इसका पासिंग रेट बहुत अच्छा है बड़ी लीनियंट मार्किंग होती है बस आपने आप कोशिश करके हंड्रेड मार्क अटैम्प्ट करने हंड्रेड मार्क या ब... ऐसे कितने स्टूडेंट है जो सेवेंटी अटैम्प्ट करके पास हो जाते हैं इवन ऐसे भी कितने स्टूडेंट है जो पास पेपर करे बगैर पास यानी सिर्फ लेक्चर्स देख के गए और पास हो जाते हैं मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता आपने किट की प्रैक्टिस करनी है मार्किंग फैसिलिटी सब लेनी है लेकिन ऐसे भी केसेस हैं तो डोंट वरी अबाउट इट अच्छा अब फॉरेन सब्सिडी एक ऐसा एरिया है ना मैं अच्छा ये क्लास में यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ तो फॉरन सब्सिडरी लोग डिफरेंट स्टाइल से पढ़ते हैं तो मैं अपने स्टाइल से पढ़ाऊंगा जिस स्टाइल से मैंने क्लास में पढ़ाया है ठीक है बट आई विल ट्राई कि मैं जितना हो सके बेसिक लेवल से लेके चलूंगा यानी बहुत उसी स्टाइल में चलूंगा जिस तरह मैंने क्लास में कराया था ठीक है तो अब देखें ये जो क्वेश्चन है ये आपके सॉफ्टवेयर पर था मैंने उसकी कटिंग कर ली है ताकि मैंने अपने आईपैड पर ईजिल ज्यादा आप लोग को इफेक्टिवली लिख लिख के समझा सकूं ठीक है नाउ पी कंपनी पियोनी पेरेंट कंपनी ऑफ अ ग्रुप विथ वन ओवरसीज सब्सिडी देखो यहाँ आ गया ओवरसीज सब्सिडी खत्म ये सवाल ही फॉरन सब्सिडी का होगा फॉरन सब्सिडी आई एस ट्वेंटी वन के इर्द गिर्द घूमेगा एंड अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ थर्टी फर्स्ट दिसंबर एक्स टू ये ईयर एंड को याद रखना काम की डेट होती है हमेशा बोला है ईयर एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द फंक्शनल करेंसी ऑफ प्योनी कंपनी एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ प्योनी ग्रुप इज डॉलर सही है हमारे कोर्स में हमेशा पेरेंट कंपनी की फंक्शनल करेंसी डॉर ही होती है फंक्शनल प्रजेंटेशन करेंसी सब डॉलर होती है द फॉलोइंग एग्जिबिट्स अवेलेबल ऑन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन ये सब वही है ठीक है तो अब ये एग्जिबिट वन है ये है और ये एग्जिबिट थ्री है ओके तो हम एक एक एग्जिबिट को निमटाएंगे कुछ प्योरली थ्योरी है और कुछ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है एंड डेफिनेटली फिर आपके पास अब जो लेटेस्ट कंसोलिडेशन के सवाल आते हैं उसमें यू ऑल नो कि उसमें आपको प्री पॉपुलेटेड वाला काम भी करना है वो भी करवा देंगे बेफिक्र हो जाए सही है ओके नाउ अब सबसे पहले मैं कुछ एज देखो कुछ एरियाज हमारा मकसद पहला और आखिरी मकसद 50 क्रॉस करना है 80s वालों को छोड़ दो 50 क्रॉस करना है तो देखें कैश मार्क्स पहले साबुत मार्क्स उठा लो जो क्लियर मार्क्स है ठक उठा लो एक मिनट में उसमें उसमें वेट ही नहीं करो तो अब देखो कुछ कैश मार्क्स आपको मिलेंगे ये ये मैंने इतनी बार उसने पास्ट पेपर में दिया है ये चीज रटी हुई चीज है यार रटी हुई चीज इसको करने यानी खुद ही कर ले बच्चा इतना सिंपल है अब देखो ये सब्सिडरी कंपनी के बारे में बता रहा है नोमास्ट्रा यानी एन कंपनी इज अ फॉरेन सब्सिडरी ऑफ पी कंपनी विद अ फंक्शनल करेंसी ऑफ एन वाई बाहर ये कह रहा है एन वाई लेकिन हमें ये साबित भी करना होगा हमें प्रूव करना होगा यूजिंग आवर थ्योरी डिस्कशन एन कंपनी सेल्स

इतना हैवी ड्यूटी पॉइंट नहीं इसके अंदर कुछ हिस्सा डॉलर का है ठीक है नाउ नास्ट्रा कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज फ्री टू डिटरमिन इट्स एंड वेरी इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द बोर्ड डायरेक्टर ये कंपनी ये कंपनी जो है ना आजाद है इसके अंदर वो बात नहीं है कि सारा पेरेंट कंपनी के ही हाथ में है ये आपने किस्सा पढ़ा होगा अगर आप लोगों को याद है जो एक स्पेशल गेम करती है पेरेंट कंपनी कि एक आर्टिफिशियल सब्सिडरी क्रिएट करती है अपने एक्सचेंज गेन और लॉस को बजाय पीएनएल में गिराने के ओसीआई में गिराना चाहती है ना तो ये गेम करती है तो वो गेम भी यानी है वो गेम भी यानी है यानी ये आजाद है इनका बोर्ड आजाद है अब इतनी बातें उसने बताई और वो क्या पूछेगा बताऊँ सिंपल पूछेगा कि भाई फंक्शनल करेंसी बता दो फंक्शनल करेंसी बता दो फंक्शनल करेंसी बता दो ठीक है बच्चे ने कहा सर रिक्वायरमेंट देखना चाहते हैं आइए भी आपके सामने स्क्रॉल करके देखते हैं ये रिक्वायरमेंट देखो चलो कह रहा है यूजिंग एग्जिबिट वन एंड इन अकॉर्डिंग विद आई एस ट्वेंटी इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरन एक्सचेंज रेट्स एक्सप्लेन विद नोमास्ट्रा ना फंक्शनल करेंसी इज दी एन वाई आप ये साबित आप ये साबित कर दें कि भाई इसकी फंक्शनल करेंसी एन वाई फंक्शनल करेंसी इसकी एन वाई है इसकी एन वाई है ओके तो आप देखो सुनो अच्छा सॉल्व आप लोगों ने ही करना है आप लोग अब पेम्पर अपना उतार दो भाई सीधी बात है आपने सॉल्व करके मुझे भेजना है मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं आपको सिर्फ धक्का दे रहा हूं ठीक है आपने खुद करना है देखो सबसे पहले तो आपने पहली चीज तो लिखनी होगी डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल करेंसी यानी ये फंक्शनल करेंसी वो करेंसी जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट उस जगह के उस मुल्क की प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की करेंसी है जैसे अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं तो यहां पी के आर है यहां पी के आर है हर चीज पी के आर में होती है तो पहले आपने इसकी इनिशियल इसकी इनिशियल डेफिनेशन देनी है इसकी इनिशियल डेफिनेशन देनी है सही नहीं वह जा। वह जा YouNow, है तो नहीं कि भाई ये प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट की करेंसी है राइट अब उस मुल्क के प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की करेंसी है अब फिर आपने इसके प्राइमरी फैक्टर्स पर बात करनी है अभी ये सब आप स्टेट द रूल के स्टेट द रूल जो शुरू में आप थोड़ा हाईएस्ट लिखते हो ना थोड़ा ज्यादा नहीं टाइम कम होता है एग्जाम में प्राइमरी फैक्टर्स की बात करना कि ये वो करेंसी होती है फंक्शनल करेंसी वो करेंसी होती है कि जब उस मुल्क में जो सेल्स और कॉस्ट हमारी इफेक्ट हो रही है वो उस करेंसी के हिसाब से हो रही है सेलिंग सेल्स एंड कॉस्ट राइट तो आप जरा गौर करें ऊपर लिखा हुआ था देखो आपने क्वेश्चन में देखा था कि हमारी सेल्स और हमारी कॉस्ट हमारी सेल्स और हमारी कॉस्ट जो है ना वो एन वाई में हो रही थी सेल्स और हमारी कॉस्ट एन वाई में हो रही थी तो ये दिस इज अ मेजर पॉइंट फॉर एन वाई दिस इज अ मेजर पॉइंट फॉर एन वाई यहां लगता है फंक्शनल करेंसी अब अगर प्राइमरी अगर प्राइमरी फैक्टर्स से डिसीजन ना हो रहा हो तो फिर हम सेकेंडरी फैक्टर्स की तरफ भी जाते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स में क्या होता है क्या आपने सेकेंडरी फैक्टर्स में ये होता है क्या आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस किस करेंसी में जेनरेट किए सोर्स ऑफ फाइनेंस किस करेंसी में जनरेट की है और एक और फैक्टर ये होता है सुनो कि आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फंड्स आर रिटेनड इन विच करेंसी यानी आप अपनी करेंसी को रिटेन किस में कर रहे हो right? राइट तो अब अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे तो, देखें, तो प्राइमरी फैक्टर्स में, में, में काम कर रही, तो वहां उसकी सेलिंग और में ही हो रही है और एनवाई ही इफेक्ट कर रहा है तो मेजर पॉइंट हो गया मेजर फैसला कौन पॉइंट है फिर इफ यू गो फॉर सेकेंडरी फैक्टर्स सेकेंडरी फैक्टर्स में आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस बस एक बार इन्होंने पास में डॉलर में लोन लिया था जो कि वो पे कर रहे हैं लेकिन वो पे कर रहे हैं थ्रू थ्रू अर्निंग्स फ्राम एन वाई और नंबर टू उसके बाद अब आज जो आज के बाद जो अब नई फाइनेंस जनरेट हो रही है वो एन वाई में हो रही है तो ये सेकेंडरी फैक्टर और इसमें भी मेजर इसमें भी मेजर चीज़ वही है एन वाई है ठीक है थर्ड थिंग इनकी रिटेन यानी वो साइलेंट एग्जामिनर कि भाई जो भी ये कमा रहे हैं तो रिटेन एन वाई में ही हो रहा है तो यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि मेजर एन वाई है अब एक आखिरी पॉइंट सुनो यहाँ देखो मैं आपको याद दिला देता हूँ ये पी कंपनी है ये एस कंपनी है अगर आपने मेरी ये क्लास ली है तो आपको पता होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट कंपनी आर्टिफिशियली एस कंपनी को ऐसे ही डमी क्रिएट करती है सिर्फ इसलिए क्रिएट करती है ताकि वो अपने जो फॉरेन फंड्स है ना फॉरेन फंड्स को राउट करे और एक्सचेंज गेन और लॉस एक्सचेंज गेन और लॉस बजाय पी में गिरने के डायरेक्ट अपने ओ में गिराए ताकि उसकी पी की वॉलीटिलिटी बच जाए तो ऐसा कब होता है आपको ये शक कब पड़ता है ये शक कब पड़ता है कि पेरेंट कंपनी गेम खेल रही है जब पेरेंट कंपनी टोटली अपना राइट कर रही होंड्रेड परसेंट पकड़ा हुआ इनको पूरा झगड़ा झगड़ावाओ जो फंड्स यहां गिरते हो अच्छा ये सारी डिटेल यहां नहीं लिखनी है इस सवाल का हिस्सा नहीं है सिर्फ आपको याद दिखाने के लिए जो फंड्स यहां गिरते हैं उसी सेकंड में वहां ट्रांसफर हो जाते हैं यानी बस ये एक व्हीकल के तौर पर इसको यूज किया जा रहा हो और इसका जो एस कंपनी का बोर्ड हो वो इंडिपेंडेंट ना हो यानी उनके पास कोई 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 किस्म के उनके पास समझ लो राइट्स ना हो वो टोटल उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हो तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी ऑटोनॉमी ना हो यस ऐसी सूरत हाल में फिर जो पेरेंट कंपनी की फंक्शनल करेंसी होती है वही एस की हो जाती है पेरेंट कंपनी की जो फंक्शनल करेंसी होती है वही एस हो जाती है अगर ये वाला केस हो रहा हो लेकिन इस सवाल में क्लियर लिखा हुआ था आपको पढ़ा भी देता हूं कि एस कंपनी का बोर्ड इंडिपेंडेंट है एस कंपनी का बोर्ड इंडिपेंडेंट है ठीक है डॉलर नहीं होगी हाँ तो गेम वाली ट्रांजेक्शन नहीं है गेम वाली ट्रांजेक्शन नहीं है तो भाई देखो आप कैसे प्लान करोगे देखो सबसे बड़ी चीज़ इन क्लासेस का मकसद इन वेबिनार्स इन रिविजन डेज का मकसद कॉन्फिडेंस ऑलवेज कॉन्फिडेंस पढ़ तो तुमने बहुत कुछ लिया है आपने पहले डेफिनेशन बताया फंक्शनल करेंसी की सिंपल फिर प्राइमरी फैक्टर्स सेकेंडरी फैक्टर्स बताए ठीक है फिर आपने कनेक्ट करना शुरू किया आपने भाई बोला भाई प्राइमरी फैक्टर्स टोटली सेल्स और कॉस्ट सारी एनवाई में है तो इस वजह से एनवाई फंक्शनल करेंसी होगी सेकेंडरी फैक्टर में भी सिर्फ सोर्स ऑफ फाइनेंस एक बार इन्होंने डॉलर में लोन लिया था पेरेंट कंपनी से जो कि अब एनवाई के फंड्स के थ्रू ही वापस कर रहे हैं प्लस जो न्यू फाइनेंस जनरेट हो रही है वो सब एनवाई में हो रही है क्लियर है फिर जो ये लोग अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिटेन कर रहे हैं वो भी एनवाई में कर रहे हैं मेजर बातें हो गई लेकिन इसके अलावा ये पॉइंट भी अहम है ये वाला ये ये भी अहम है कि भाई इस बार कोई गेम भी नहीं हो रही कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया हुआ यानी इस सब्सिडरी के बोर्ड के पास ऑटोनमी है अपने काम से काम ये लोग अपने काम खुद कर रहे हैं राइट ओके यानी वो ड्रामेबाजी नहीं चल रही है जो एक स्पेशल केस है जो मैं अभी बता मैंने हल्का सा इशारा दिया है उसका तो ऐसी सूरत हाल में अब इसकी सब इसकी फंक्शनल करेंसी अनुआई होगी अब आखिरी चीज़ ये भी याद रखना एक एक्स्ट्रा बात बताता हूं इसके डिस्क्लोजर में लिखी हुई है देखो यहां ज़रा बात को सुने आपको पता है फंक्शनल करेंसी के पॉइंट्स हैं बहुत सारे तो कभी कभार ऐसा होता है कि तीन पॉइंट इधर जा रहे हैं दो इधर जा रहे हैं यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला होता है जजमेंट वाला मामला होता है प्लीज सुने तो ऐसी सूरत हाल में फिर स्टैंडर्ड कहता है कि आप इसका डिस्क्लोजर भी दो आप बताओ शेयर होल्डर को ये, ये आप लिख सकते हो उसमें आप बताओ शेयर होल्डर को कि किस बेसिस पे हमने फंक्शनल करेंसी डिसाइड की है सही है आपको शेयर होल्डर को बताना जरूरी शेयर होल्डर के लिए बहुत अहम है ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सही है कि भाई अगर ये कुछ पॉइंट्स से इन पॉइंट्स की बेसिस पर हमने डिसाइड किए कि ये फंक्शनल करेंसी है अगर कभी पॉइंट्स क्लैश हो ओके राइट तो ये पांच मार्ग की चीज थी आराम से यू कैन स्कोर आराम से यू कैन स्कोर ओके एक नजर में तीस सेकेंड देता हूं ये लो ये देख सकते हैं आप ये आप देख सकते हैं अब यहाँ से जो कहानी शुरू होगी ना भाई अब वो अब वो प्रैक्टिकल कहानी शुरू होगी थोड़ी सी यादाश्त अच्छी चाहिए जो आपने चैप्टर अच्छा, इसके लिए आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए सबसे अहम बात इसकी क्लासेस आपने ली हुई हो वरना आप डायरेक्ट नहीं देख सकते ये प्लीज ठीक है नाउ ऑन फर्स्ट जनवरी एक्स टू ऑन फर्स्ट जनवरी एक्स टू पियोनी शेयर ऑफ नॉमस्ट्रा कंपनी फॉर वन पॉइंट वन मिलियन सोलो वन पॉइंट वन मिलियन डॉलर प्लीज बी केयरफुल बेटा टेक ओवर डेट फर्स्ट जनवरी एक्स टू है और ऊपर यान थार्टी दिसंबर एक्स टू नजर आ रहा है ऊपर यान थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स टू तो टेक ओवर डेट था फर्स्ट जनवरी एक्स टू यानी बिल्कुल एक साल पहले टेक ओवर की है एक साल पहले टेक ओवर की है और आपको उसने सी ओ आई डॉलर में दी दी है लेकिन मैं सी ओ आई को कन्वर्ट करके अपनी करेंसी में कर लूंगा अपनी एन वाई में कर लूंगा सही है okay. ओके

एन कंपनी रिपोर्टेड अ लॉस पूरे साल का लॉस, नो डिट्स नो वर पेड एंड प्रपोज वेरी गुड ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स टू रिपोर्टेड एन वाई कंपनी की टोटल इक्विटी है एन मिलियन पॉइंट फोर मिलियन योटल एक्विटी टोटल नेट एसेट्स कितने के 5.4 मिलियन के टोटल नेट एसेट्स हैं 5.4 मिलियन के अब मैं यहाँ से आपको एक चीज निकाल देता हूँ जो बच्चे चालाक एक्टिव बैठे हैं देखो एक तो सो रहे हैं प्लीज उनके लिए दुआ कर सकता हूं।

ये आपका ईयर एंड है थर्टी फर्स्ट इजी इजी आंखों आंखों में ये चीज सॉल्व होंगी देखो अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आराम से कर सकते हो यार इतने सालों से पढ़ रहे हो पहली बार जिंदगी में थोड़ी पार्ट है कंसोल्टेशन यहां देखो फर्स्ट जनवरी एक्स टू बेटा ईयर एंड पर आपके नेट एसेट्स कितने ये देख लो आपके नेट एसेट्स यहां है फिफ्टी फोर हंड्रेड के एनवाई वाय सब एनवाई में चल रहा है

नेट एसेट्स आपके पास आ गए हैं 54 फोर प्लस नाइन सिक्सटी ठीक है ये याद रखना ये भी है एनवायर में ये एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स आपकी खिदमत में आ चुके हैं और एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स का मकसद ये कि गुडविल में यूज होंगे एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स का मकसद ये है कि ये गुडविल में यूज होंगे गुडविल में यूज होंगे ये गुडविल में यूज होंगे ओके अब देखो आज का कंसोलिडेशन पुराने दौर के कंसोलिडेशन से डिफरेंट है ये याद रखना जो अब एस में आता है अब वो ऑलरेडी सॉल्व करके देगा कुछ ना कुछ और गलतियां होंगी गलतियां पकड़नी है वो आइडेंटिफाई करनी है वो असल चीज़ है ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा प्लीज अब एक्सचेंज रेट्स आपके सामने फर्स्ट जनवरी एक्स को एक डॉलर बराबर है एन वाई ट्वेल्व के थर्टी फर्स्ट दिसंबर को एक डॉलर बराबर है एन वाई एटीन के और ये एवरेज रेट है कुछ चीजों में एवरेज रेट भी यूज होता है प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस और इन चीजों में जो फॉर द ईयर चीजें हैं उनमें एवरेज रेट यूज होता है उनमें एवरेज रेट यूज होता है उनमें एवरेज रेट यूज होता है नेक्स्ट थिंग इज गुडविल अराइजिंग ऑन कंसोल्ड ऑन द एक्विजिशन गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ नाउन वॉज कैलकुलेटेड इनकरेक्टली थैंक यू थैंक यू थैंक यू देखो इसने इतना बच्चों एहसान कर दिया बोल दिया इनकरेक्टली अगर नहीं भी बोलता और इनकरेक्टली होता तो भी आपको पहचानना आपके लिए जरूरी था कि भाई हमने इसी तरह

देखो बेटा आप ये देखें ये गलती है एनसीआई देखा ये गलती है बेटा जब आप बच्चों की तरह पढ़ाता हूं देखो मैंने क्या पढ़ाया था फॉरेन सब्सिडी में जिस दिन तुम टेक ओवर करते हो जिस दिन तुम टेक ओवर करते हो उस दिन तुम फ्लाइट बुक करा के उस मुल्क में जाते हो फॉरेन और उसी मुल्क में जाके उसी मुल्क की करेंसी में उसी मुल्क की करेंसी में गुडविल निकालते हो गुडविल निकालते हो सारी चीजें उसी करेंसी में होंगी और फिर उस गुडविल को एक्विजिशन डेट पर पहले रिट्रांसलेट कर देते देते हो हो एक्विजिशन एक्विजिशन डेट डेट पर पहले पर कर दे तो इसका मतलब सारी चीजें सारी चीजें इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट की होनी चाहिए एक्सचेंज रेट शुरू में गुडविल एक्विजिशन डेट पर निकलता है तो एक्विजिशन डेट का एक्सचेंज रेट यूज होना चाहिए ना इस बेवकूफ ने क्या हरकत की आंखें खोल के देखो ये कह रहा है एनसीआई एट एक्विजिशन वर्ड ट्रांसलेटेड were ट्रांसलेटेड एंड recognized using द एक्सचेंज रेट एट 31st December डिसंबर एक्स टू लो गलती कर दी इसने कितनी बड़ी गलती कर दी इसने कितनी बड़ी गलती कर दी पकड़ ली गलती हमने ये फर्स्ट जनवरी एक्स टू पे होना चाहिए था ये गलती है ठीक है अब ये आपके साथ देखो ये गलती यहाँ भी नज़र आ रही है ये देखो ये देखो 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 ये ये देखो ये, ये, रही ये ये रही ये नजर आई ये है वो गलती इसने देखो 18 वाला रेट यूज किया जो कि थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स टू था इस वजह से ये पूरी गुडविल गलत आ रही है ये गुडविल पूरी गलत आ रही है ठीक है बाकी सब चीज़ें सही हैं बाकी सब चीज़ें चाहिए सही है लेकिन बच्चे ने मासूमियत से बोला बच्चा तो मासूम है और बच्चे ने बोला सर हमें आप बच्चों की तरह ही पढ़ा तो मैंने कहा देखो इसने डायरेक्ट पूरा काम तुम्हें डॉलर में करके दिया वैट सही है मैंने आपको जिस तरह क्लास में पढ़ाया था उसमें पहले हम फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करके शिफ्टिंग करके दिखाते हैं पूरा काम शिफ्टिंग के थ्रू दिखाते हैं पूरा काम शिफ्टिंग के थ्रू दिखाते हैं तो यह काम मैं अभी आपको करके बताऊंगा और इसको सही करके फिर इसकी एंट्री अब एंट्री बनती है अब करेक्शन की एंट्री बनती है थोड़ी एंट्री की महारत भी चाहिए अब कंसोलिडेशन के अंदर एंट्री की महारत भी चाहिए कंसोलिडेशन के अंदर एंट्री की महारत भी चाहिए हाँ जी ओके okay, नाउ अब सुनिए आप क्या कह रहे हैं ये मैं ये मैं सही कर लूंगा अब आप बिल्कुल शांत हो जाए ये मेरा काम है अच्छा देखो ये इसने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है ये ट्वेल्थ के रेट पे एक्विजिशन डेट का देखो एक्विजिशन डेट का जो मैंने नेट थ्री हंड्रेड निकाला ना इसने भी वैसे ही निकाल लिया मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए निकाला था इसने खुद ही देखो सिक्सटी थ्री हंड्रेड यूज भी किया और उसको सही रेट पे यूज किया ट्वेल्व तो उसमें कोई मसला उसमें कोई भी इशू नहीं है ओके राइट थोड़ा सा होश में रहें अब कह रहे थर्टी फर्स्टर एक्स टू अ गुडविल इंपेयरमेंट ऑफ आपको फॉरेन करेंसी में इंपेयरमेंट गिवेन है इसका मतलब उसकी पोस्टिंग नहीं हुई है तो आपने खुद पोस्टिंग करनी होगी आपने उसकी पोस्टिंग खुद करनी होगी आपने उसकी पोस्टिंग खुद करनी होगी आपने उसकी पोस्टिंग खुद करनी होगी ये वाली पोस्टिंग मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने खुद से करनी होगी आप लोगों ने खुद से करनी होगी ये पोस्टिंग ओके यानी इंपेयरमेंट कैलकुलेट तो हुई हुई है लेकिन इसकी पोस्टिंग और इसकी एंट्री आपने खुद बनानी होगी देन द ग्रुप पॉलिसी इज टू ट्रांसलेट गुडविल इंपेयरमेंट एज एट एवरेज रेट एवरेज एक्सचेंज रेट सही है गुडविल इंपेयरमेंट एक फॉर द ईयर की चीज है बेटा इंपेयरमेंट एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस नॉर्मली फॉर द ईयर होता है एक्सपेंस नॉर्मली फॉर द ईयर होता है तो एवरेज रेट लेकिन हाँ एक बात और सुन लो कभी कभार ये 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 एक तजाद है ये एक अख्तिला एक बैड न्यूज के साथ भी होती है तो अगर वो ये भी कर कि के पे अचानक से हुई तो कुछ लोग क्लोजिंग रेट पे भी करते हैं लेकिन इस सवाल में इस सवाल में उसने क्लियर बोल दिया है कि एवरेज रेट यूज होगा तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता वैसे एवरेज ही यूज होता है लेकिन कुछ एक आईसी डब्ल्यू वगैरह के पास पेपर में उसने क्लोजिंग रेट भी यूज किया है और ये दलील के साथ किया है ठीक है ओके तो अब देखो एक तो मुझे गुडविल की कैलकुलेशन सही करनी है नंबर वन देखो एक काम सुनो तैयार पैसे पड़े हैं पर समझ लो एक गुडविल की कैलकुलेशन सही करनी है उसकी एंट्री बनाऊंगा फिर गुडविल की इंपेयरमेंट की एंट्री बनाऊंगा और तीसरी चीज बेटा आप लोग को याद करो इस याद करो प्लीज मेमो और ये सवाल मैंने करा है क्लास में आपको एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन गुडविल भी निकालना है एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन गुडविल भी निकालना है जो ट्रांसलेशन रिजर्व में जाता है वो भी निकालना है बस ये तीन काम करो ये पूरा एरिया ये पूरा एरिया तुमने निमटा दिया खत्म निमटा दिया तुमने ये पूरा एरिया तुमने समझ लो निमटा दिया ओके? चलो अब सुनो तो अब हम मूव कर रहे हैं इसकी वर्किंग की तरह मूव करता हूं और एक पैराग्राफ मैंने अभी आपके सामने छोड़ दिया है एक पैराग्राफ आपके सामने अभी छोड़ दिया ये नॉमस्ट्रा ये नोट नंबर थ्री वाला ठीक है ना ये एंड में कराता हूं ओके जी पहले आप रिक्वा पढ़ लें कह रहे हैं डिस्कस दी डिस्कस डिस्कस दी कैलकुलेशंस हाउ टू करेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ नॉमस्ट्रा कंपनी दी कंसो डेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पियोनी ग्रुप फॉर दर हंड्रेड टेन थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स इसमें ये इस सारे काम करने हैं गुडविल को सही निकालना भी है उसकी जो इंपेयरमेंट लॉस है उसको भी उसकी भी उसको भी कैलकुलेट करना है सही डॉलर में एक ट्रांसलेसन रिजर्व भी निकालना है गुडविल का एक्सचेंज घना और लॉस ऑन गुडविल भी निकालनी है और इन सबके एंट्रीज भी बनानी है सारे काम करने हैं ठीक है थीके? और इसके अलावा एक नोट नंबर थ्री है वो भी करना है तब जाके पूरे टेन मार्क्स हम उठाएंगे तब जाके पूरे दस मार्क्स हमें मिल जाएंगे तब जाके हमें पूरे टेन मार्क्स मिल जाएंगे ओके राइट सो नाउ वी आर ऑन रिक्वायरमेंट नंबर टू ओके रिक्वायरमेंट नंबर टू पहले सिंपल आपने इसको बता देना है कि गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड ऑफ फ़ॉरेन सब्सिडरी यूजिंग एक्विजिशन डेट एक्सचेंज रेट ओके आप लोगों को मैंने आइडेंटिफाई करा दिया था उसने सब कुछ सही किया था प्यारे बच्चों लेकिन एक चीज उसने गलत की थी और वो था एनसीआई को उसने क्लोजिंग रेट पे कर दिया था वो मैं अभी आपके सामने सही कर देता हूँ ठीक है एक्विजिशन एक्सचेंज रेट यूजिंग एक्विजिशन डेट एक्सचेंज रेट ओके नाउ अब मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ एन वाई एक करेंसी लिखी ठीक है फिर यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया डॉलर्स ये है आपकी सी ओ आई अगली चीज है आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ एन सी आई एट एक्शन सही सॉल्व करेंगे सॉरी एक्विशन डेट का एक्सचेंज रेट है डॉलर वन इज इक्वल टू ट्वेल्व एन वायके ये एक्सचेंज रेट था आप चाहो तो देख भी सकते हो ठीक है जी ओके तो अब इलेवन हंड्रेड डॉलर एक डॉलर बारह के बराबर है तो इलेवन हंड्रेड मल्टीप्लाई करो इलेवन हंड्रेड मल्टीप्लाई होता है कितनी आपके पास ट्वेंटी सेवन हंड्रेड अब बताओ इस पर आप एक्विजिशन सारा एक्विजिशन डेट का रेट लगेगा

फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी फेयर वैल्यू ऑफ एसेटनी थी सिक्सटी थ्री हंड्रेड सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड थी याद करो एन वाई और ये भी acquisition rate पे एक सिक्सटी थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई 12 हो तो जाएगा फाइव ट्वेंटी फाइव डॉलर अब देखो पहले स्टेप पहले एक गुडविल एक आपकी आई इन एन वाई गुडविल इन एन वाई आ गई नौ हजार सौ और आपकी डॉलर वाली गुडविल कितनी आई बताऊँ हुआ आठ सौ चलो पहली गलती आप ये झटपट सही कर लोगे बेटा जो गुडविल प्लीज जान लगाएं जो गुडविल उसने रेडीमेड कैलकुलेट करके दी हुई थी जो गुडविल उसने रेडीमेड कैलकुलेट करके दी हुई थी वो थी सेवेंटी वो थी सेवन ट्वेंटी फाइव कितनी थी उसने बेटा सेवन ट्वेंटी फाइव कैलकुलेट करके दी हुई थी याद है गलत और सही गुडविल कितनी आई है एट हंड्रेड सही गुडविल कितनी आई है एट हंड्रेड तो बेटा ये जो पूरा प्रॉब्लम था वो इस वजह से था ये ये गलत था

सेवेंटी फाइव डॉलर से गुडविल बढ़ेगी ना तो एक एंड से गुडविल एसेट है गुडविल डेबिट होगा और दूसरे एंड से एनसीआई भी बढ़ाना है उसने NCI भी कम रिकॉर्ड किया था एनसीआई का पार्ट होता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा तो फर्स्ट करेक्टिंग एंट्री मैं दोबारा चलो नीचे लिखता हूं फॉर गुडविल एंड एनसीआई देखो एट एक्विजीशन डेट सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए मैं बार बार बोलता हूँ लोगों के हाथ कांपते हैं लोग नहीं लिख पाते सिर्फ कॉन्फिडेंस डर कोई इधर करेंसी लिख देना गुडविल डेबिट सेवेंटी फाइव और एनसीआई क्रेडिट सेवन ये हमें पोस्ट करनी होगी भाई गुडविल डेबिट और एनसीआई क्रेडिट राइट बिकॉज इन द क्वेश्चन ये देखो ये गलती थी एन सी आई वॉज रिकॉर्डेड एट यर एंड एक्सचेंज रेट बस अच्छा ओके okay? ये पहली चीज आपने सही कर दी सिंपल अब दूसरी चीज अब तो अब अब वो चीजें भाई ये तो गलत थी थी ना जिन्होंने सही की अब कुछ चीजें जो उसने की नहीं है तो अधूरी चीज़ों को पूरा करना है जैसे मैं F7 लेवल पे फाइनल अकाउंट पढ़ाते वो बोलता था ना कभी कभार गलत चीज़ों को सही करना होता है और कभी कभार अधूरी चीजों को पूरा करना होता है अब अधूरी चीजों को पूरा करना है और अब जो मैं काम करा रहा हूं टू तो बी वेरी ऑनेस्ट ये सब मैं क्लास में करा चुका हूं कहां करा चुका हूं मेमो और डिफरेंट सवालत में गुडविल की इंपेयरमेंट वगैरह सिखा चुका हूं चलो आज अब पहले इंपेयरमेंट हम लिखते हैं उसने इंपेयरमेंट का अमाउंट दिया हुआ है एनवाई में

आठ सौ में से दो सौ बीस लेस करो आठ सौ में से दो सौ बीस लेस करो तो आपके पास ईयर एंड की गुडविल आनी चाहिए अब जरा सुनना, लेकिन देखो जो गुडविल इधर देखें इस साइड से देखें जो गुडविल हमने यहां ईयर एंड की निकाली है और ईयर एंड के एसेट हमेशा ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पर ट्रांसलेट होते हैं ट्रांसलेट होते हैं यार्सटी थ्री हंड एटीन होता है ना आप सिक्स डिवाइड बाईटी होता है अब आप देखो मैं यहां बैलेंसिंग एक फिगर निकालूंगा जैसे आपको पहले सिखाया हुआ एक बैलेंसिंग फिगर निकालता हूं गुडविल थी 220 से कम हुई 800 की गुडविल 220 से कम होकर उसूलन, उसूलन 580 की बचनी चाहिए थी इट शुड हैव बीन 580 लेकिन बताओ ये हो कितनी गई थ्री 350 तो ये जो अचानक से गुडविल गिरी ना अब जो गिरी है ना इसके बाद ये वाला पीस ये वाला जो बैलेंसिंग पीस है ना ये एक्सचेंज गेन या लॉस है एक्सचेंज गेन या लॉस है रिपीट बेटा 800 में से 220 निकालो तो ये बनता है 580 तो यार पे 580 होनी चाहिए थी ना तो तो ये 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 350 कैसे हो गई ये exchange की movement है तो ये difference कितना है कितना 230 का आ गया ऑन गुडविल और मेरे प्यारे बच्चों मैंने खुद पढ़ाया यार मैंने खुद पढ़ाया बेटा ये फुल गुडविल मेथड का सवाल है क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है तो भाई इसकी गुडविल की इंपेयरमेंट भी एनसीआई में जाएगी और ये एक्सचेंज लॉस इसका भी ये भी एनसीआई और दोनों में ट्रांसलेशन रिजर्व दोनों में जाएगा सही है तो अब ये इन दोनों के एंट्रीज बनानी है सिंपल एक टू ट्वेंटी की बनानी है और एक टू थर्टी की टू थर्टी जो है वो एक्सचेंज लॉस है और फॉरेन ऑपरेशन का एक्सचेंज लॉस ओ सी ई या ओ सी आई या ट्रांसलेशन रिजर्व ओ सी ई या ओ सी आई अगर इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या ट्रांसलेशन रिजर्व में गिरेगा ये बैलेंस शीट का सवाल है तो ट्रांसलेशन रिजर्व में गिरेगा अब मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव पे देखो ये पूरा काम बड़ा अहम काम कर दिया हमने एक अहम काम कर दिया है चलो पहले इंपेयरमेंट की एंट्री बनाता हूं देखो आ जाओ इंपेयरमेंट इंपेयरमेंट हमेशा आता है एक्सपेंस है ना तो वो रिटेन अर्निंग में जाएगा तो बेटा आपकी सबसे पहले गुडविल खत्म हो जाएगी 220 से गुडविल आप 220 से क्रेडिट कर दोगे सब डॉलर्स में एंट्री बन रही है और यहाँ आपकी सीआर लिख दो या रिटेन अर्निंग आपका एग्जामनर रिटेन और ये एनसीआई ठीक है 75 25 75% एंड 25% सो दिस मेक्स अराउंड दिस मेक्स अराउंड इसका कितना बनता है ठहरो इसका बनता है 165 एंड 55 165 फिफ्टी फाइव ठीक है अब दूसरी चीज मुझे चाहिए एक्सचेंज लॉस ऑन गुडविल की एंट्री एक्सचेंज ये सारी एंट्रीज पोस्ट करनी है, सवाल होने वाला है बहुत जल्द लॉस ऑन गुडविल बताओ इसकी वजह से एक तो गुडविल गिरेगी तीन सौ तीस का था ना गुडविल गिरेगी थ्री थर्टी की ट्रांसलेशन रिजर्व डेबिट और NCI डेबिट ओके राइट ट्रांसलेशन रिजर्व सेवेंटी फाइव परसेंट ट्रांसलेशन रिजर्व में और बाकी NCI को जाएगा बर्डन सही है तो ये बनता है कितना ये टू थर्टी था सॉरी मैंने थ्री थर्टी ये बनेगा ये बनेगा वन सेवनटी टू पॉइंट फाइव और फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव वन सेवनटी टू पॉइंट फाइव और फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव और ये डायलॉग आपको याद है देखो मैं बोलता हूँ फॉरेन ऑपरेशंस के एक्सचेंज गेन और लॉस आज ओसीआई में और जब कल ये फ्यूचर में सब्सिडी बिकेगी तब पी एन में फॉरेन ऑपरेशन एक्सचेंज गेन और लॉसेस आर रिपोर्टेड In NCI in OCI now, and when in future it is disposed of, then it is transferred to PNL. तो पीएनओ ठीक है फ्यूचर में ये भी आपने बता दिया एग्जामिनर को तो ये देखो मैंने तीन एंट्रीज अभी तक बनाई हैं ये 1 2 एंड 3 ये तीनों एंट्रीज पोस्ट करनी है इसके मार्क्स से हमारे अच्छे मार्क्स उठ जाएंगे अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं इस पे इस पे आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हो ठीक है मैं एक बार स्क्रीन मूव करता हूं आप देख लो देख लो आराम से देख लो भाई ये रहा नथिंग इज डिफिकल्ट आराम से कर सकते हो ओके नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सेम क्वेश्चन की जो ये रिक्वायरमेंट रह गई यहाँ भी है कि ये लो ये वाली चलो इसको अच्छी तरह करना है अच्छी तरह बस ये कर लो फिर सवाल नाइन परसेंट हो गया नॉन कंपनीज एसेट्स एंड लाइब्रिटीज एक्सक्लूडिंग गुडविल अब गुडविल के अलावा तुम लोग यार थोड़ा सा सोचो यार प्लीज सोचो जब तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़ते थे फॉरेन सब्सिडी के तो उसमें दो तरह के एक्सचेंज लॉसेस निकलते थे एक्सचेंज लॉसेस लॉसेज फॉरेन ऑपरेशन दो तरह के होते थे एक गुडविल का होता था शुरू में निकालते थे और फिर एक बैलेंस शीट में वो जो किंग स्टेप बैलेंस शीट में किंग स्टेप करने के बाद बैलेंस शीट में याद है इक्विटी साइड में तुम निकालते थे एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन फॉरन ऑपरेशन ऑन नेट एसेट्स याद है वो चीज अब मैं निकालने जा रहा हूँ वो चीज देखो आप सीख लो आसानी से निकलेगा इसी तरह जो वाला काम किया था वैसे ही निकालूंगा तुम देखना वैसे ही तुम्हें करके दूंगा। चलो वर ट्रांसलेटेड इन टू डॉलर एक्स टू हाँ भाई पर यानी और सुनो सारी चीजें ईयर एंड पर, पर शिफ्ट करते थे वो सही है इतना सही है द सेम अब देखो यहाँ गलती आई अब देखो गलती सुनो द सेम एक्सचेंज रेट वॉज यूज टू ट्रांसलेट नॉमस्ट्राज लॉस फॉर फॉर दर फॉर दर याद है मेरा हाथ नहीं चलता था फॉर दर फॉर दर एंड देखो ये गलती कर दी इसने बाकी सारे एसेट्स और लाइब्रिटीज को तो एसेट्स और लाइब्रिटीज की चीज होती है एसेट्स और लाइब्रिटीज तो ईयर एंड पे ईयर एंड के रेट पे रिट्रांसलेट होते हैं लेकिन इसने साथ साथ जो लॉस है लॉस प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर की चीज होती है प्रॉफिट या लॉस फॉर ईयर की चीज होती है उसने भी उसको भी इसने, उसको भी उसको उसको इसने इसने क्लोजिंग रेट देखो सेम एक्सचेंज रेट सेम एक्सचेंज रेट का मतलब ये वाला रेट ये वाला रेट सेम एक्सचेंज रेट का मतलब ये वाला रेट यानी इसने लॉस को भी इसने लॉस को भी ईयर एंड के रेट पे कर दिया ये इसने यहां हरकत की है गलत इसी को मुझे सही करना है गलती मैंने पकड़ ली सही है the resulting total exchange loss of 175000 has been included in the translation reserve in the draft consolidated sofp फिर एक और गलती with no entry with no entry made to the nci reserve इधर भी जाना चाहिए भाई सीधी बात है जो foreign operation के अंदर हमारा 75 है तो 25 तो बाहर वालों का है ना भाई तो उनको भी तो देना है उनको भी तो देना है तो इसने दो हरकतें गलत की है दोनों सही करूंगा मैं नंबर 1 एक तो इसने नंबर 1 इसने जो इस साल का जो लॉस है ना वो एवरेज रेट पर ट्रांसलेट होना चाहिए इसने उसको क्लोजिंग रेट पे कर दिया तो इस हरकत की वजह से इसका ये रिजर्व भी गलत आया होगा ये जो एक्सचेंज लॉस आया ना वन का ये भी गलत आया होगा तो इसको भी सही करना है इसको सही करने के बाद जब सही ट्रांसलेशन रिजर्व आएगा जो सही एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन नेट एसेट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आएगा उसको फिर मैंने एनसीआई में भी 25 परसेंट देना है उसको फिर एनसीआई में भी 25 परसेंट देना है अच्छा मैं कुछ बातें अब बहुत प्रैक्टिकल बात करने लगा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल खुल के बोलने लगा हूं इस वाले पार्ट में कुछ बच्चों को मसला हो सकता है होगा बड़ा पेपर है यार छोटा पेपर कर ही नहीं रहे तुम क्यों परफेक्शन की तरफ जा रहे हो लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट था गुडविल का वो सीधा, सीधा था वो बार बार हर सवाल में छोटे छोटे पार्ट में कितनी बार तुमने किया हुआ है तो वो सीधा सीधा काम था तो सीधे सीधे मार्क्स उठा लिए जो ऊपर गुडविल की इंपेयरमेंट और वो सब रूटीन बार बार किया हुआ है ये वाले काम में कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं अगर कर रहे हो तो करो क्यों डर रहे हो भाई कहा बच्चे सौ मार्क्स पे पास होते हैं कौन लाता है है बहुत अच्छा है भाई पास होना है हमें पास हो आगे काम करके आगे बढ़ना है दिस इज द अप्रोच तो अपने अब अगर एक पार्ट थोड़ा मुश्किल लगे तो उस पर रोना नहीं शुरू कर दो बच्चे नहीं हो बेटा स्ट्रेटेजिक लेवल का पेपर कर रहे हो इसी इसमें किसी तरह आगे निकलना होता है चलो ये आपने देख लिया अब मैं आपको दोनों काम सही करा देता हूं पहले मैं इसकी वही शीट बनाता हूं जैसे मैंने गुडविल इंपेयरमेंट की बनाई थी चलो जी बेटा आप सिर्फ ये देख लो मेरे ईयर एंड के यरे फिफ्टी 5400 के नेट एसेट्स एसे मेरे ईयर एंड के 5400 के ये नेट एसेट्स के ईयर एंड के नेट एसेट थे और ईयर के स्टार्टिंग थे 6300 के ईयर के स्टार्टिंग के थे 6300 इसमें 900 का लॉस हुआ तो फिर ये आपके पास आ गया ठीक है ये कहानी है अब सिर्फ आप देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ बिल्कुल उसी तरह जैसे इंपेयरमेंट की कहानी थी आपको बिल्कुल लॉजिकली समझ में आएगी थोड़ी सी आपने एनर्जी देनी है आप सीख जाओगे देखो ही used year end exchange rate to calculate he used year end exchange rate to calculate loss to translate loss फॉर दर इन रियालिटी एवरेज रेट शुड बी यूज एवरेज रेट शुड बी यूज ठीक है अब सिर्फ आप देखें मैं आपको एक पूरी स्टेटमेंट बना के देता हूं देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं एन वाई एक तरफ मैं लिख रहा हूं डॉलर आप सिर्फ देखो यहां स्टेटमेंट देखना सबसे पहले नेट एसेट्स एक्विजिशन के लिखता हूँ कितने थे वाई थी और इसको एक्विजिशन डेट पर एक्विजिशन डेट पर इसको शिफ्ट करेंगे. करेंगे तो की कितनी थी बताऊँ मेरे ख्याल से ट्वेल्व का रेट था सो सिक्सटी थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई टे थार सही फिर आपके पास देखो ये तो ओपनिंग चीज थी अब इस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस हुआ मैं इसी नेट को एंड पे लेके जा रहा हूं। तो मैंने लिखा लॉस लॉस फॉर प्लीज बेटा ये पे होना था, चाहिए था जबकि उसने इसको भी क्लोजिंग रेट पर गलती थी मैं सही सॉल्व कर रहा हूं सही तो इसको, इसको करना चाहिए था, 15 पे. तो 900 15 होता है, 60 ठीक है एक पल के लिए तुम यहाँ छोटा सा यहाँ लिख लो सिर्फ समझाने के लिए हमारी आपस की बात है लिखा होगा जबकि आना चाहिए सिक्सटी तो दस रुपए की लॉस की गलती उसने की है दस रुपए की लॉस की गलती उसने की है बेटा प्लीज बात को समझ लो समझ सकते हो इतने छोटे नहीं हो समझ सकते हो थोड़ी सी दिमाग लगाओगे समझ जाओगे इधर आना चाहिए था सिक्सटी उसने लिखा है फिफ्टी ठीक है इस, इस इन दोनों की वर्किंग भी अलग से करा दूंगा अब अब आ जाओ जरा मुझे बताओ यर एंडर एंड यहां बीच में एंड थ्री हंड्रेड माइनस नाइन होता है फिफ्टी फोर हंड्रेड ये आ गए एंड के नेट एसेट्स एंड नेट एसेट्स ओके अब एयर एंड का रेट नेट एसेट हमें एटीन पे डिवाइड करके निकालना है वो यर एंड का रेट ही एटीन है तो फिफ्टी फोर हंड्रेड डिवाइड बाई एटीन बनता है थ्री सो ठीक है अब आप मुझे बताएं ये जो बीच की मूवमेंट होगी ना यानी आप सोचें यहाँ देखें 525 60 फाइव 525 60 बनता है 465 तो ईयर एंड पर हमारे नेट एसेट तो 465 सिक्सटी फाइव के होने चाहिए ईयर एंड पे हमारे नेट एसेट तो 465 सिक्सटी फाइव के होने चाहिए लेकिन ये हो कितने गए सिर्फ 300 के रह गए ईयर एंड पे सिर्फ 300 के रह गए इसका मतलब कुछ एक्सचेंज लॉस या गेन की मूवमेंट की वजह से एक रहे ना बेटा फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस उसूलन फोर सिक्सटी के होने चाहिए थे लेकिन लेकिन देखो कितने के नजर आ रहे हैं 300 तो बेटा बीच में यहां 165 का एक एक्सचेंज लॉस है एक्सचेंज लॉस ऑन नेट एसेट्स ये बैलेंसिंग नंबर होता है ऑफ फॉरेन ऑपरेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन सही है हाँ जी तो बेटा ये 160 उसने 175 का बुक किया होता देखो उसने 175 चाहो तो मैं भी दिखा देता हूं

10 से एक्स्ट्रा डेबिट होगा क्रेडिट करूंगा ट्रांसलेन रिजर्व दस रुपए से क्रेडिट करूंगा, रिजर्व दस से करूंगा। तो मुझे करना ही करना है दूसरा एक और काम भी सुन लो एक और काम उसने दस रुपए से जो ये गलती की ना तो उसने हकीकत में जो लॉस था वो फिफ्टी का था देखो

तो उसने लॉस को दस रुपए से कम बुक किया मैं बोल गया था जब नुकसान लॉस को दस रुपए से बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा तो रिटर्न अर्निंग गिरेगी ना एस कंपनी की रिटर्निंग गिरेगी और जब एस कंपनी रिटर्निंग गिरेगी तो सीआर एनसीआई दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा रिटेन अर्निंग और एनसीआई दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा रिटेन अर्निंग और एनसीआई दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा तो देखो करना क्या होगा सुनो थोड़ा सा यार अगर जान लगा दो समझ जाओगे मेरा तो दिल ये है कि जो मेरे माइंड में वो तुम्हारे माइंड में चले जाए ठीक है मैं एक एंट्री बनाता हूं करेक्टिंग एंट्री सुनो लेस लॉस बुकड बाय अकाउंटेंट तो देखो अकाउंटेंट ने कम लॉस बुक किया था मैं और लॉस बुक करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास देखो रिटेन सी आर डेबिट कर लो या रिटेन एंडिंग जो तुम्हें अच्छी लगती है एक तरफ एनसीआई होगा और एक तरफ ट्रांसलेशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा ट्रांसलेशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा दस रुपए से हाँ और ये सेवन पॉइंट फाइव और ये टू पॉइंट फाइव ये देख लो बच्चे ने कहा आपने ऐसा क्यों किया फिर बताएं मैंने कहा थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी देखो बेटा उसने जो क्वेश्चन में ट्रांसलेशन रिजर्व दिया था 175 का दिया था बोला हमने 175 का लॉस कैलकुलेट किया है जबकि तुम खुद सोच सकते हो असलियत में लॉस कितना है 165 165 कितना है 165 का है का लॉस तो उसने दस रुपए का एक्सचेंज लॉस एक्स्ट्रा बुक किया था तो जब दस रुपए का एक्सचेंज लॉस एक्स्ट्रा बुक किया होगा तो ज्यादा ट्रांसलेशन रिजर्व डेबिट हो गया होगा ना डेबिट तो अब सही करने के लिए ट्रांसलेशन रिजर्व क्रिएट कर दो और दूसरी गलती क्या की उसने उसने फिफ्टी का लॉस बुक किया उसने ये वाला लॉस बुक किया देखो 50 का लॉस कैलकुलेट किया जबकि होना चाहिए था सिक्सटी तो दस रुपए से लॉस को बढ़ाऊंगा तो ये एक और चीज हो जाएगी ठीक है तो ये पहली गलती है ना नहीं है, 165 है तो आपने दस रुपए से ट्रांसलेशन रिजर्व को देखो ये एंट्री में सही कर दिया तो अब सही ट्रांसलेशन रिजर्व सही ट्रांसलेशन रिजर्व सही एक्सचेंज लॉस आया 165 का। उसने ये भी लिखा है कि इस ट्रांसलेशन रिजर्व का शेयर एनसीआई को हमने दिया ही नहीं है एनसीआई तो को तो देना पड़ेगा तो एनसीए का पच्चीस परसेंट है इस सही ट्रांसलेशन रिजर्व में से एनसीए का पच्चीस परसेंट है ना यार इस सही ट्रांसलेशन रिजर्व में एनसीए का पच्चीस परसेंट है बेटा बच्चे ने कहा आपको कैसे पता लगा कि उसने नहीं किया मैं, मैंने मैं मैंने कहा दिखाता हूं ठहरो रुको ये लो ये लाइन पढ़ो चलो ये लाइन पढ़ो क्लियर पढ़ो देखो क्या लिखा है कह रहे द रिजल्टिंग टोटल एक्सचेंज लॉस ऑफ सेवन सेवन भी गलत है क्योंकि है

एनसीआई को इस नुकसान का पच्चीस परसेंट देंगे तो एनसीआई को डेबिट हो जाएगा बिल्कुल एनसीआई डेबिट होगा बिल्कुल आ जाओ अकाउंटेंट हैज नॉट गिवेन एनी शेयर ऑफ एक्सचेंज loss on net assets of foreign operation to NCI instead they have parked my word use current they have parked complete loss in translation reserve so we need to transfer to transfer this in nci we need to transfer this in nci so this will the entry will be 165 का ले लो बेटा 25 परसेंट कितना होता है 165 का 25 परसेंट होता है 41.3 ओके okay. तो अब एंट्री क्या बनेगी सोचो उसने ट्रांसलेशन लॉस था ना लॉस था तो उसने पूरा 165 समझ लो लॉस का मतलब ट्रांसलेशन रिजर्व में डेबिट किया हुआ था तो अब वो ट्रांसलेशन रिजर्व क्रेडिट होगा और ये नुकसान एनसीए को जाएगा तो एनसीआई कम हो जाएगा तो एंट्री बनेगी एनसीआई डेबिट और Translation reserve credit, NCI debit or translation reserve. NCI debit or translation reserve credit, NCI debit and translation reserve credit. Okay. Right. Right. देखो ये मैंने इसकी एंट्री बना दी अब मैं एक और चीज़ एक्स्ट्रा भी कैलकुलेट कर सकता हूँ ये काम जो है ना मैंने बहुत रफ़ करा दिया है देखो ये वाला देखो सिक्सटी और फिफ्टी का अगर कोई चाहे तो इसको फॉर्मल भी कर सकता है इसको फॉर्मल भी आप कर सकते हो दो लाइनें लिख के कि भाई लॉस फॉर द ईयर यूजिंग ये जो दस की एंट्री आपने बनाई है ना इसके लिए अलग से वर्किंग भी कर सकते हो बल्कि मैं करवा भी देता हूँ चलो ये भी करवा देता हूँ लॉस फॉर दर यूजिंग एवरेज रेट ये हो जाएगा 900 हंड्रेड डिवाइडेड बाय फिफ्टीन कितना बन रहा था बताऊ ये बनता था 60 ठीक है और लॉस फॉर द ईयर इसने यूज किया हुआ फिफ्टी सो डिफरेंस इज टेन ओके दिस इज द डिफरेंस सो वी नीड टू बुक एक्स्ट्रा लॉस एक्स्ट्रा दस का लॉस बुक करना उसने कम लॉस बुक किया हुआ था ठीक है और वो ही मैंने ऊपर किया है तो अब देखें ये सारी एंट्रीज मेरे प्यारे बच्चों एक एंट्री ये है एक दो तीन चार और पांच ये पांच एंट्रीज ये तीन यहां है देख लो बेटा और बाकी एंट्रीज यहाँ हैं चार और पांच अच्छा एक नज़र आपने देखना है तो एक बार फिर देख लो क्वेश्चन को पिक्चर्स ले लिया करो जब मैं क्वेश्चन मूव कर रहा हूँ उस टाइम पिक्चर्स ले लिया करो ताकि एक और स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन हो ठीक है ऑनलाइन पढ़ने के भी कुछ आदाब हैं उसको भी सीखो कि एक तरफ क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए ताकि आपके लिए आपको देखो अल्टीमेटली इट्स यू हु टू लर्न आपको सिखाना है मेरा मैं तो सीखा हुआ आपको सिखाना है भाई आपके दिमाग में ये पूरी पूरी पिक्चर डालनी है कि आप ये चीज़ इस दुनिया में सोचना शुरू कर दो समझ रहे हो तो इसके लिए एक एंड में आपका सवाल होना चाहिए लाजमी एक एंड पे होना चाहिए क्वेश्चन

और ये ऊपर प्री पॉपुलेटेड ये मैंने एक और जगह आपको उस पर दिखाऊंगा अब ये मैं पूरी चीज़ आपको कहाँ दिखाऊंगा ये मैं आपकी ख़िदमत में पेश करूँगा यूजिंग माई एक्सेल एक्सेल पे शो करता हूँ ठीक है ये पूरा ठीक है अब आप लोगों अगर ये तस्वीरें खींचनी है तो खींच लो भाई ये सोल्यूशन की अगर पिक्चर्स लेनी है तो ये ये वाली एंट्रीज की पिक्चर लेनी है तो ले लो ये एंट्रीज की ले लो फिर इसकी ले लो फिर इसकी ले लो ठीक है okay dear students so now we are moving towards this spreadsheet area you can see in the examination you will get this area ready made like this but yes this top headings these top headings you will have to give yourself okay but i have given already i need to save the time okay so now just five entries you need to post five entries so the first entry is the first entry was goodwill debit and nci credit so goodwill debit Goodwill debit means see, this is your goodwill. This is the goodwill, so you will increase the goodwill by 75. And on the other hand, you will increase the NCI. See, this is the NCI, you will increase the NCI by 75. Okay, you can see goodwill debit and NCI credit. Okay, first entry done. The second entry is about the impairment. Impairment in impairment, you credit the goodwill, so minus 220. Minus 220 goodwill reduced. On the other hand, your retain earning, see this is the retain earning retain earning to be reduced by 20 165. 165. On the other hand, NCI will be reduced by 55. Okay, now the next thing is translation exchange loss, exchange loss on goodwill. So, goodwill credited by 230. See the third entry, goodwill to be credited by 230. ओके okay, आपकी गुडविल 230 तीस से कम हो रही है और आपके पास ट्रांसलेशन रिजर्व आ जाओ ट्रांसलेशन रिजर्व डेबिट हो रहा है डेबिट डेबिट यानी कम हो रहा है वन सेवेंटी टू पॉइंट फाइव से वन सेवेंटी टू पॉइंट फाइव से कम हो रहा है ठीक है और ऑन दी अदर हैंड आपके पास ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है माइनस फिफ्टी से ओके माइनस फिफ्टी से राइट right? ऐसा ही है देन उसके बाद उसके बाद प्लीज़ फिर क्या हो रहा है उसके बाद जो है ये आपने तीन एंट्रीज पोस्ट कर दी अच्छा मेरे पास एक्सेल में ऐसा कोई चीज़ लगा हुआ है जो ऑलरेडी राउंड ऑफ़ कर रहा है मैंने लिखा था 172.5 सेवेंटी उसको राउंड ऑफ़ कर रहा है अभी ये मुझे चेंज करना पड़ेगा लेकिन बाहर हाल ठीक है ठीक है राउंड ऑफ कर रहा है अब उसके बाद नेक्स्ट तीन एंट्रीज हो गई अब आ जाओ चौथी एंट्री पे चौथी एंट्री यस उसमें हो रहा था सी आर यानी एन रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही थी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो रही थी ये रही सुनो ट्रांसलेट लॉस ट्रांसलेट लॉस बिल्कुल सही है रिटेन अर्निंग इसमें डेबिट हो रही थी सेवन पॉइंट फाइव से रिटेन अर्निंग को कम करना है और एन सी आई कम होगा कितने से एन सी आई कम होगा एन सी आई कम होगा कितने से टू से देखो नीचे जाएगा एनसीआई आएगा ठहरो ये रहा एन सी माइनस टू पॉइंट फाइव जबकि ट्रांसलेशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा ट्रांसलेशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा दस रुपए से ट्रांसलेशन रिजर्व क्रेडिट होगा यानी बढ़ेगा दस रुपए से ठीक है अच्छा मैं इसमें जरा ठहरो चेंज करता हूँ किधर आएगा पेज लेआउट नहीं ड्रॉ नहीं इंसर्ट होम इसको छोड़ो भी है ठीक है ये वो जो राउंड ऑफ कर रहा है उसको छोड़ दो ठीक है अब इसके बाद क्या है इसके बाद है, इसके बाद है एक आखिरी एंट्री ट्रांस एनसीआई डेबिट एनसीआई डेबिट और ट्रांसलेशन रिजर्व क्रेडिट एनसीआई डेबिट एनसीआई डेबिट मीन कम होगा एनसीआई माइनस फोर्टी वन पॉइंट थ्री और साथ साथ ट्रांसलेशन रिजर्व 41.3 से क्रेडिट हो जाएगा बढ़ेगा 41.3 से क्रेडिट यानी बढ़ेगा ओके ट्रांसलेशन रिज़र्व बढ़ जाएगा बिल्कुल सही है सी आई हैव पोस्टेड आई हैव पोस्टेड ऑल द एंट्रीज आई हैव पोस्टेड ऑल द एंट्रीज लेट सी कि क्या होता है इसके आगे हम इन सबको अब हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं ठीक है सबसे पहले तो ये आया आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं है तो वह एज डेटेज आ जाएगा ये देखो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एज इट इज आ गया थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज करता हूँ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एज इट इज आया अगली चीज़ है आपके पास हाँ इसमें सम का फॉर्मूला लगेगा चलो ये पूरा हॉरिजॉन्टली इसको ऐड करते हैं ये आ गया थ्री फिफ्टी फिर आपके पास आया उसके बाद आपका देर is... नहीं 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 गलत इधर से ऐड करना होगा 18850, okay? Now, next thing, मैं उसी नंबर को कॉपी कर रहा था सॉरी फिर है आपके पास करंट एसेट्स कोई चेंज नहीं है तो करंट कॉपी होंगे और यहां से अब इन दोनों को add करते हैं. चलो इन दोनों को ऐड करते हैं टू टू जीरो अब एक्विटी साइड पे आते हैं equity side पे share capital, जी एज इट इज कॉपी होगा नो चेंज बट रिटर्न अर्निंग में चेंजेस आई हैं. रिटर्न अर्निंग में चेंजेस आई हैं ठीक है उसके बाद फिर है आपके पास अगली चीज क्या है ये है ट्रांसलेशन रिजर्व को भी करना पड़ेगा यार ये क्या ओके okay. अब क्या है इसके बाद है आपके पास अब रिटेन अनिंग को मैं करता हूँ ऐड सॉरी ये हो जाएगा यहाँ से ठीक है रिटेन अनिंग आ गई फिर हम करेंगे ट्रांसलेशन रिजर्व को ये टू सिक्स नेगेटिव में आ गया ठीक है फिर है अब इनको ऐड करते हैं चलो अब आया एनसीआई अगला नंबर किसका एनसीआई का फिफ्टी सिक्स एनसीआई सी आई फिफ्टी सिक्स कितना हुआ देखते हैं टू वन जीरो फाइव जीरो अब आते हैं लाइब्रिटी साइड पे लाइब्रिटी कितने की है सेम ही है ना टू हंड्रेड की तो चेंज नहीं होगी ना ओके फिर हम आते हैं ठीक है जी इन दोनों को मिलाया तो ये बनेगा ठहर ठहर टू टू जीरो फाइव जीरो देखो बैलेंस शीट बैलेंस हो गई बैलेंस शीट आपकी बैलेंस हो चुकी है आपकी एसओ बैलेंस हो चुकी है फाइनली आपकी एसओ बैलेंस हो चुकी है राइट ओके देखो पांच ही एंट्रीज पोस्ट करनी थी और काम हो गया ये स्टेप में इतना टाइम नहीं लगता इस स्टेप में इतना टाइम नहीं लगता लेकिन हाँ इससे पहले वाले स्टेप में सारी मेहनत करनी पड़ती है सॉरी वो मुझसे मैग्नीफाइंग का बटन दब गया था तो उससे पूरा सब इनलार्ज हो गया था अभी सवाल एंड नहीं हुआ अभी सवाल एंड नहीं हुआ एक रिक्वायरमेंट रहती है आसान सी रिक्वायरमेंट रहती है एक सिंपल सी थ्योरी की रिक्वायरमेंट इसकी स्टिल रहती है देख लो अच्छी तरह देख लो बेटा अच्छी तरह देख लो प्लीज प्लीज देख लो थोड़ी प्रैक्टिस करो सीख सकते हो थोड़ी प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकल में मार्क्स उठाना ज्यादा एग्जैक्ट मार्क्स आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिकल में ठीक है मैं दोबारा मूव करने जा रहा हूं अपने उसी आईपैड वाले सेक्शन पे मूव कर रहा हूं ओके नाउ द लास्ट रिक्वायरमेंट माय डियर स्टूडेंट आखिरी रिक्वायरमेंट है आपके लिए और से देखें क्या कह रहे हैं ये पढ़ो ये पुराना आई फार आ गया Changes in government regulation. Near the beginning of the following year, the year ended 31st December X3 changes were made to the government regulations in the country in which Normstra company Jomari's foreign subsidiarity is located. This has significantly impacted Normstra's operations and caused a fall in the value of the NY. Fall in the value of NY. Now the directors are aware. दैट ड्यू टू द अब ये देखो फैसला कौन ड्यू टू दी चेंजेस इन दी गवर्नमेंट रेगुलेशन नॉमस्टा कंपनी इज नो लॉन्गर परमिटेड टू ट्रांसफर फंडस वहाँ से आप पैसे नहीं निकलवाए जा सकते उस कंपनी से कोई अजीब हालत होगी दुनिया में हालात खराब होते हैं करेंसी डेप्रिश होती है अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी हालात खराब हुए थे तो जब एकदम ऐसे हालात खराब होते हैं तो डॉलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है आप अपने मुल्क से डॉलर बाहर लेके नहीं जा सकते सब होते हैं नेपाल में भी थोड़ी इस तरह की सख्ती है पाकिस्तान में भी दुनिया भी बहुत सारी कंट्रीज में आती रहती है ये अप डाउन जब हालात होते हैं मोर ओवर गवर्नमेंट to which एक्सटेंड टू company कंपनी कैन एक्सरसाइज राइट और गवर्नेंस देखा ये टेक्निकल यानी देखो अगर यहां तक बात हो ना सिर्फ सुनना कि आप कुछ अरसे के लिए फंड नहीं निकाल सकते तो कंट्रोल नहीं किया है इससे कुछ नहीं होता इससे कंट्रोल नहीं किया है लेकिन अब ये कह रहा है कि आप अपने राइट्स भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते और गवर्नेंस भी आपके हाथ से निकल गई तो ये कंट्रोल लॉस्ट होने की इंडिकेशन है ये इंडिकेशन है कि आपका कंट्रोल चले गया ये इंडिकेशन है कि आपका कंट्रोल चले गया अब आपको पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट के तीन नॉर्मल दर्जे होते हैं एक होता है कंट्रोल उससे नीचे होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और सबसे नीचे होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसको हम आई फर के थ्रू अकाउंट फॉर करते हैं फेयर वैली थ्रू पी या फेयर वैली थ्रू ओसीआई फेयर वैली थ्रू पीएनएल या फेयर वैली थ्रू ओसीआई ठीक है तो अब देखो ये इसकी क्वेश्चन में आपने हिंट पढ़ लिया आप देखो क्लियर हो गया सवाल बिल्कुल कंट्रोल कंट्रोल गया गया तो गया तो या तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुए या आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे आ गए या तो आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दोनों डिस्कस करना या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे आ गए ठीक है ठीक है अब रिक्वायरमेंट पढ़ो रिक्वायरमेंट पढ़ो इसकी देखो यूजिंग प्लीज बेटा यहां देखेंग एगजिट थ्री यूजिंग एग्जिबिट थ्री डिस्कस द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द चेंजेस इन द गवर्नमेंट देश ऑन ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉमस्ट्रा कंपनी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स थ्री यानी अब अगले साल इसकी क्या इंपैक्ट होगा अगले साल इसका क्या इम्पैक्ट होगा तो ये टोटल आई एफ आर की रिक्वायरमेंट है अब देखो इसमें आपने क्या क्या बातें लिखनी है सुनो सबसे पहली चीज मैं आपको सिर्फ वो दे रहा हूं ये भी आपने मुझे सॉल्व करके भेजना है मुझे सॉल्व करके भेजें फॉर मार्किंग रिक्वायरमेंट नंबर थ्री सबसे पहले आपने लिखनी है. आपको पता है वो तीन लाइन की डेफिनेशन है पहली होती है पावर ओवर इन्वेस्टी याद है दूसरी क्या होती है बताओ राइट्स टू एक्सपोजर ऑफ और राइट्स टू और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टी और तीसरी चीज होती है करंट एबिलिटी करंट एबिलिटी टू इंपोज ये भी लिख इंपोज द पावर थ्रू इट्स इन्वॉल्वमेंट याद है आप अपने इन्वॉल्वमेंट से वो पावर इंपोज भी करंट एबिलिटी भी होनी चाहिए तो ये तीन चीजें तो है तीन हैं तो आपके पास कंट्रोल है तो आपके पास कंट्रोल है ओके याद आया अब अब आप यहां ने डेफिनेशन लिख दी अब आपने कहा भाई जस्ट जस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड डॉट मीन योर कंट्रोल इज लॉस्ट जस्ट the restriction of transfer of funds from that country does not affect your control but but एज इट इज रिटर्न क्या लिखा हुआ है बताओ दैट यू कैनॉट एक्सरसाइज योर राइट्स दैट पी कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज देअर राइट्स एंड गवर्नेंस गवर्नेंस दिस इंडिकेट्स दिस इंडिकेट्स पी कंपनी हैज लॉस्ट कंट्रोल अब चलो कंट्रोल किया तो कंट्रोल जाने के बाद दो केसेस हैं कंट्रोल जाने के बाद दो पॉसिबिलिटीज अब आप देखो याद रखना एस एसट्रेटेजिक लेवल पे आप कोई हतमी फैसला नहीं देते डिस्कशन करते हो कि भाई ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है सर नाव टू पॉसिबिलिटी नाव आफ्टर दी लॉस ऑफ कंट्रोल Two possibilities are there. Number one company still have significant influence. And what are the iski significant influence key kya kya conditions? Hai? Significant influence key, significant influence key. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की क्या क्या वो हिंट्स होती हैं पता है ना आप लोगों सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में यू हैव एंड हिंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस आर एज फॉलोस एज फॉलोस नंबर वन देखो मैं लिखता रहता हूं ए करके लिखता हूं ए पार्ट टू पार्टिसिपेट देखो वर्ड ये पार्ट उसमें होता है पार्ट टू गवर्न इसमें होता है पार्ट टू पार्टिसिपेट Are to participate in financing and operating policies of that entity entity. Number Vade. You have unke board directors have directors in the investee board. बोर्ड याद है तीसरा तीसरा सुनो तीसरा यह है कि आपके आप उनको कोई टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो कोई ऐसी टेक्निकल वो दे रहे हो जिससे जिसकी वजह से वो आप पे डिपेंडेंट हो प्रोविजन ऑफ टेक्निकल स्किल्स मटीरियल ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटिटी भाई आप इतनी बड़ी पार्टी हो ये मैंने सब आप लोगों ने लाइफ में पढ़ा हुआ है इतनी बड़ी पार्टी हो कि आप इतनी मटीरियल ट्रांजेक्शन करते हो वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप उन उनपे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हो सकते हो बिटवीन एंटिटी राइट तो ये सारी ये सब चीजें हैं कुछ मैनेजरल प्रोवाइडिंग Providing managerial personnel आप अपने मैनेजमेंट के लोग अंदर भेजते हो उनको काम के लिए और उनका पूरा बोर्ड आप पे डिपेंडेंट हो बहुत हद तक तो इन सब चीजों से क्रिएट हो जाता है सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस जैसे मैंने अपनी क्लास में एक बार एग्जांपल दी थी कि कई बार ऐसा होता है कुछ डॉक्टर्स पे हॉस्पिटल डिपेंडेंट होता है तो वो हॉस्पिटल समझ लो पे वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज सकते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तो है है तो आपने ये बताया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इस तरह हो सकता है तो इफ इफ अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो फिर क्या होगा कंसोलिडेशन की बिल्डिंग गई और आज के बाद एक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई होगी सिंपल नाउ इफ Company has significant influence over this Is company. Can and second the N secret Namthana Is can S company, Nomstra, yes? Nomstra. So, in that case, in that case. ऑल याद है मैं बोलता था कंसोलिडेशन की पूरी बिल्डिंग तोड़ देंगे ऑल कंसोलिडेशन बिल्डिंग विल बी डिस्ट्रॉइड लाइक गुडविल एन सी आई एंड एस कंपनीज नेट एसेट्स राइट एंड गेन और लॉस

क्या आपको पता है जब फॉरेन सब्सिडी का कंट्रोल चले जाता है ना तो उसका जितना भी आज तक के ट्रांसलेशन रिजर्व आपने बुक किए हुए वो सब जो पहले ओसीआई में थे वो पीएल में ट्रांसफर होंगे जो पहले ओसीआई में थे वो पीएल एल में आदि ये बहुत मशहूर डायलॉग है कुछ चीज़ें ओ सी आई से पी में जाती हैं तो वो फॉरन ऑपरेशन का एक्सचेंज गेन और लॉसेज होते हैं ठीक है थीके? अब ये तो पहला ऑप्शन है लेकिन दूसरा ऑप्शन ये, कि well, तो ये है कि इफ कंपनी डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एज वेल तो अब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है अब ये सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट है if company does p company does not have significant influence then this investment will be treated under ifrs 9 right और फिर ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी एंड दिस इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ओके कोई मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करें आप ये कर सकते हैं देखिए नॉर्मल चीजें नॉर्मल चीजें हां तीस में से पांच सात आठ मार्क्स घुमाते हैं टेढ़े होते हैं कुछ नहीं होता लेकिन देखो इसकी थ्योरी की रिक्वायरमेंट्स इतनी अब नॉर्मल नहीं थी थ्योरी की रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी जो पास्ट में आपने की हुई थी जैसे फंक्शनल करेंसी वाली रिक्वायरमेंट सीधी सीधी थी यार ये वाली रिक्वायरमेंट भी कंट्रोल की कितने सवाल आपने देखे में तो जनरल डिस्कशन है इसमें थोड़ा बहुत उन्नीस बीस भी लिखोगे तो भी आप यार पाँच में से तीन तो उठाओगे ना तो इस अप्रोच से चलो और अभी जब हम मॉक कंडक्ट करेंगे तो मॉक जरूर सॉल्व करके देना बेटा मॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट और इस क्लब वीडियो को मैंने ये यूट्यूब पे भी डाल दिया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जैसा आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो यू कैन कॉमेंट एज़ वेल ओके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू टेक केयर अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक